साइड एरिया में आपको लखनऊ की तस्वीर दिखाते हैं जहाँ पर पुलिस कर्मियों ने अपने अंदाज में ही नए साल का जश्न मनाया। देखिए किस तरीके से वहाँ पर तमाम पुलिस कर्मियों की मौजूदगी और इस मौके को हर कोई सेलिब्रेट करते हुए मिठाइयाँ खिलाकर एक दूसरे को नए साल का आगाज करते हुए ये पुलिस कर्मी और वहाँ पर तमाम वरीय अधिकारियों की मौजूदगी हर परिस्थितियों में ये लोग डटे रहते हैं। पूरी दुनिया नौ वर्ष मना रही है, ऐसे में आप देख सकते हैं कि हमारे साथ हमेशा तत्पर रहने वाली, साथ में खड़ी होने वाली पुलिस भी नौ वर्ष की शुरुआत कर रही है। केक काट कर यहाँ पर शुरुआत हो रही है, यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस जो है केक काट कर एक दूसरे को खिलाकर नए साल की शुरुआत किया जा रहा है। ये राजधानी लखनऊ का मोहनलालगंज थाना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम वो पुलिस कर्मी है जो हर पल हर वक्त हमारी सुरक्षा में मौजूद रहते हैं, वो लोग भी यहाँ पर नया साल मना रहे हैं। हर साथ में यहाँ पर जो SP ग्रामीण है वो हमारे साथ में मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस तरह से नए साल का जो आगाज हुआ उसमें किस तरह से पूरी तैयारियों के साथ में पुलिस यूपी पुलिस तैयार है और किस तरह से कार्य करेगी। हमारा ये जो नववर्ष आ रहा है 2020, इसके लिए तो सबसे पहले मैं सबको बधाई देना चाहूंगा। यहाँ पे पुलिस प्रशासन हमारी लगातार तत्पर आपकी सेवा पे है और इसमें दो तीन चीजें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी तरफ से, एक तो ये कार्यक्रम थोड़ा पहले रखा गया है इसको, ताकि 12 बजे जो नए साल जो हम लोगों का शुरू होगा उस दौरान, ताकि जितनी भी हमारी फोर्स है वो हमारी रोड पे रहे, हमारे पॉइंट्स पे रहे, मेन मेजर जो जहाँ पे एंजॉयमेंट जो एरियाज हैं, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे रहे, ताकि वहाँ पे जितनी भी व्यवस्था है पूरी एकदम लॉ एंड ऑर्डर सारा मेंटेन रहे और सब लोग सेफली घर मौजूद रहें। और इसलिए इसके बाद मैं एक बार फिर से पूरे लखनऊ को हमारी पुलिस प्रशासन की तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। सर, अगर 2019 की बात करें तो काफी चुनौतीपूर्ण रहा, अगर यूपी पुलिस की खास करके बात करें, क्या लगता है आने वाले समय में किस तरह से पुलिस तैयार है उसको लेकर? जितनी भी जो 2019 में चुनौतियां आई हैं यूपी पुलिस ने, उनको अभी तक जितनी भी समस्याएं आई हैं सब चुनौतियों को अच्छे तरीके से उनको मेनली उस चीज को फेस किया है और फेस करने के बाद में उसको जो तत्काल जो कार्रवाई हो सकती थी वहां पे की। अभी तक ले देके जितनी भी जो समस्याएं थी उनका निस्तारण 2019 के 31 तारीख तक सबका हो गया है। आने वाले टाइम में जितनी भी चुनौतियां हैं यूपी पुलिस पूरे अपनी तरफ से सारी तैयारियों के साथ और हमारे जो नए लड़के आए हैं 2019 बैच के सिपाही जो आए हैं वो सबको ट्रेन अच्छे से करेगी, ताकि जो आने वाला समय है और चुनौतीपूर्वक जो होने वाला है उसके लिए यूपी पुलिस हमेशा तत्पर आपकी सेवा में रहे। बिल्कुल, ये थे SP ग्रामीण जिन्होंने कहा कि जिस तरह से 2019 में यूपी पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा है और उसको कायदे से पुलिस ने हैंडल भी किया है, ऐसे में 2020 के लिए वो तैयार है, आने वाली जो भी चुनौतियां होंगी उनको लेकर के तैयार है। वहीं सबको केक खिलाकर नौ वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए पूरे थाने ने नौ वर्ष मनाया। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। आज